शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मजिस्ट्रेट साहब, मजिस्ट्रेट साहब, बाहर आके देखो, हीरा नाम रख देने से हर पत्थर हीरा नहीं बन जाता। देखा आपने, वो आपका हीरा अपना पाप छुपाने के लिए बेचारिया गला घोटकर भाग गया। अगर आज वो यहाँ होता, मैं उसका सर काट के तेरी माँ के चरणों में चढ़ा देता। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा खूनी नहीं, मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता। चल जा। जंगू, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक हूँ। मुझे अफसोस है जंगू, मैं अदालत की कुर्सी पर नहीं, वरना दुनिया देखती कि एक बाप अपने बेटे को मौत की सजा भी सुना सकता। मालिक, बड़ी गहरी सोच में दिखती हो। सोच रहा हूं मुनीम जी कि जमीन में खूंटा गाड़ो तो मिट्टी कहां चली जाती है। मालिक, ये सब तो भगवान की लीला है। भगवान के लीले पर विचार कर रहा हूं मुनीम जी। एक बिचारी तो जान से गई और जान लेने वाला गांव से गया, बस एक बात हुई, सारे गांव का कल्याण हो गया और अपनी आशा की शादी के लिए मैदान साफ हो गया। वो तो है, पर मालिक, अगर वो ना गया हो तो यही कहीं छुपा बैठा हो। मक्खनलाल जी, जब मैं कोई गधा देखता हूँ तो तुम्हारी सूरत सामने आ जाती है। अरे, खूनी आदमी भला गांव में टिका होगा? अब तुम्हारी पगड़ी नहीं उछलेगी मुनीम जी। ऊपर नीचे आगे पीछे सब आनंद ही आनंद है। बस तुम जाकर पंडित आत्माराम को जल्दी बुला लो। समझे? जल्दी, अभी के मालिक, अभी के, जल्दी जाओ। मुनीम जी, रुक जाइए। सासु, मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी? मैं क्यों? बस मैंने कह दिया, मैं एक साल तक शादी नहीं करूंगी। उसके बाद तुम जिसके साथ कहोगे ना नहीं करूंगी। बेटी, अब ये साल वाल का चक्कर नहीं चलेगा, ये शादी टल नहीं सकती। जिद न करो बापू, अगर साल भर के अंदर मेरी शादी करना हो तो मेरी अर्थी उठाने का भी सामान कर लेना। बेटी, मालिक, मक्खनलाल, जो मैंने कहा गलत, जो तुमने सुना गलत, अब जो मैं कह रहा हूं वो सही। आशा की शादी एक साल के बाद होगी। मालिक, तुम तो मुरादाबादी बेपेंदी लोटे की तरह घूम जाते हो। अरे, पूछना था कि अरे पूछूं क्या तुम्हारा कपाल? जवान लड़की है, गर्म खून है, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर बैठी तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के मुंह में दही लगा के चाटूंगा। अरे, एक बरस तो एक बरस, एक बरस में कहां मेरी लड़की और तुम्हारा लड़का दोनों बुढ़े हुए जाते हैं। अंग्रेजों के यहाँ 3-3 साल तक यही चलता है। चलम पियो, लो। अरे वाह, भेल पूड़े के बाद ठंडा ठंडा पानी पीने का मजा आ गया। जय राम जी की। जय राम। अरे, जय राम जी की बोल के चले हो कहाँ बाबूजी? 5 लोटिया पानी बेकार गए, अठन्नी निकालो सीधी तरह से। हाँ, 8 आने? हाँ। क्या बात करते हो, 4 आने की भेल पूड़ी और 8 आने का पानी? हाँ। यहाँ बम्बई में पानी भी बिकता है क्या? और नहीं तो का। हमारे गांव में आओ, हम तुम्हें दूध मुहत पिलाएंगे। अरे भैया जी, तुम्हारा गांव नहीं है, शहर है, शहर समझो कि नहीं। अठन्नी निकालो सीधी तरह से, नहीं तो हम अब पुलिस के बुलवाई दे। हाँ, ये लो अठन्नी। मिल गया भैया अठन्नी तुम्हारा? हाँ, यहाँ 8 आने का पानी भी बिकता और 20 रुपए की रानी भी। नए मालूम पड़ते हो शहर में? जानी जानी नहीं, हीरा बोल, हीरा। हाँ, हीरा, वेरी गुड। क्या धंधा करते हैं आप? फिलहाल तो बेकारी का धंधा करते हैं। जब ही यह हालत है, धंधा करोगे? 500 रुपए मिलेंगे। धंधा ईमानदारी का होगा ना? अरे, पुण्य भी मिलेगा और माल भी। लच्छू, बच्चे, कैसे हो तुम? उन्होंने मुझे पकड़ लिया, आप मुझे उधर से ले जाना। खामोश, लच्छू, लच्छू। सुन लिया? अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो अंजाम जानते हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। देखो, सुनो, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। तो फिर हिल रहा के खंडर में रुपया लेकर फौरन पहुंच जा, रसीद मिल जाएगी।
बताया कि ये काम बिल्कुल आप नहीं सकते और किसी को शक भी नहीं होगा। कहाँ है? सामने रहा है। ये आदमी हमारे काम आ सकते। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बेटे। इन लोगों ने मेरे को पकड़ लिया। मेरे बच्चे। क्यों सेठ? पापा। बहुत प्यार है बच्चे से। इस बाप को नहीं होगा। ये लो रसीद, पूरे 1,00,000 है। गिन लो। यानी पहले ही दिन कमाल कर दिया। क्या भरपूर हाथ मारा साले को। हाथ तो तुम लोगों ने मारा है। 8 आने का पानी, 20 रुपए की रानी और 1,00,000 रुपए का राजा। बैग इधर ला जानी। जानी नहीं, हीरा। ये ले नंबर 2 दे, नंबर 3 ये लीजिए आपकी रसीद, पूरे 1,00,000 है। गिन लीजिए। क्या? माफ कीजिए, मुझे आप पे हाथ उठाना पड़ा। क्या तुम उनके साथी नहीं हो? जी नहीं, मैं तो सिर्फ बाराती था। शहर आया था कुछ काम धंधा ढूंढने के लिए और टक्कर हो गई इन शहरी मेंढों के साथ। साले बच्चों का धंधा करते हैं। नमस्ते। सुनो, तुम काम करोगे? जी हाँ जरूर, लेकिन ईमानदारी का। वो तो मैं देख चुका हूं, आओ मेरे साथ। भगवान, मेरे प्यार का मान रखना, मुझे इंतजार करने की शक्ति दो। क्या तुम इन चोरों की सिफारिश कर रहे हो जो शराफत के चेहरे पे बदनुमा दाग बने हुए हैं? इनका कर्जा सिर्फ कानून ही चुका सकता है हीरा।
कानून तो उनको जेल में डाल देगा सेठ जी, लेकिन आपकी एक अच्छाई इन दोनों को नया जन्म दे सकती है। ये सच कह रहे हैं सेठ जी, इनके मजबूत टकरों ने तो हमें एक नया जन्म दे दिया है। इन दोनों को काम दे दीजिए सेठ जी, जलता हुआ चिराग ही बुझे हुए चिरागों को रोशनी दे सकता है। ठीक है हीरा, अगर तुम कहते हो तो बुला लो काम पे। धन्यवाद। थैंक यू जानी। जानी नहीं, हीरा बोल, हीरा भाई, हीरा हीरा।